गरीब मजदूरों के साथ धक्के शाही नहीं चलेगा। मैं कॉमरेड विनोद कुमार तिवारी, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन CITU के लुधियाना के जनरल सेक्रेटरी। आज जो फोकल पॉइंट में बिजली दफ्तर के सामने जो धरना लगाया गया, उसका मेन कारण है कि 3 महीने पहले 56 मजदूरों ने अपने घर में मीटर अप्लाई करने के लिए पैसा जमा किया और अप्लाई करके गया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मीटर अप्लाई का परमिशन मिल चुका है। परमिशन मिलने के बावजूद भी एरिया के SDO और JE हरासमेंट मजदूरों कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका ये दिखाई दे रहा है कि किसी के माध्यम से पैसे की मांग कर रहे हैं। अगर हमें पैसा मिल जाएगा तो हम इसको परमिशन देंगे और मीटर लगाएंगे। मजदूरों के पास पैसे होती नहीं है। यहाँ पे एरिया के एक्सचेंज से बातचीत किया गया, ये भी बात को टाल मटोल करते जा रहे हैं। इस बात को लेके आज हमें फोकल पॉइंट बिजली दफ्तर के सामने धरना दिया गया। आने वाला समय में अगर इस मीटर अप्लाई का कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो रेगुलर हमारा धरना चलता रहेगा और एक्सचेंज के दफ्तर में ताला भी मारेंगे, या तो मीटर हमारा मजदूरों को लगना चाहिए। एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबके घर में बिजली हम देंगे और दूसरे तरफ यहाँ बिजली विभाग के अफसर बिजली देने के बजाय लोगों से रिश्वत मांगने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं एरिया के यहाँ के एक्सचेंज से कहना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो इंदिरा कॉलोनी के लोग हैं टंडारी खुर्द में, वहाँ पर जो कनेक्शन का मीटर अप्लाई का जो बिल जमा कर दिया गया है, जो मीटर अप्लाई का परमिशन मिल चुका है, तो ये एक एक्सचेंज SDO और तमाम अफसर वहाँ पे जाके मीटर लगाए। आने वाले समय में संघर्ष दिखा करेंगे और एक्सचेंज के दफ्तर में ताला मारेंगे, या तो मीटर लगेगा या तो एक्सचेंज यहाँ से हटेगा। यही मेरी